नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। सरकार ने बीते दिनों खाद तेलों को सस्ता करने की मंशा से एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर जो ड्यूटी में छूट का फैसला लिया था उसे बढ़ा दिया है। उसे सरकार ने पहले जून 2023 में लिए गए फैसले के तहत 31 मार्च 2024 तक ही एडिबल ऑयल में छूट का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने अब इंपोर्ट ड्यूटी पे जो छूट थी उसे मार्च 2025 तक आगे बढ़ा दिया है। जिसके मायने यही है कि पहले जो 17.5% छूट थी उसे 12.5% जो किया गया था, यानी कि अब 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ मार्च 2025 तक एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता रहेगा। सरकार के इस फैसले के बाद देश के सरसों किसानों की मुश्किलें बढ़ी थी। ऐसा माना जा रहा था कि सरसों किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस बीच जो स्थितियां बन रही हैं, जो हालात पैदा हो रहे हैं, वो संभवतः सरसों किसानों को राहत दे सकते हैं। हालात ये हैं कि इस सीजन जो सरसों की जो रिकॉर्ड बुआई हुई है, और सरसों की रिकॉर्ड बुआई के बाद जो सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने की जो स्थितियां बन रही हैं, जो अनुमान जारी किए गए हैं, ऐसे में सरकार को अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। असल में इस बार जो है सरसों का रकबा जो है वो पिछले साल की तुलना में 2.2% अधिक हुआ है। इस बार सरसों की जो बुआई है रिकॉर्ड 9.88 मिलियन हेक्टेयर में हुई है। ऐसी स्थिति में जो अनुमान लगाया जा रहा है इस सीजन में सरसों का जो उत्पादन होगा तकरीबन 13 मिलियन टन, 13.14, 14 मिलियन टन एमटी हो सकता है, जो सर्वकालिक उच्च स्तर यानी कि अब तक का सबसे अधिक होगा। ऐसे में सरकार की जो कोशिश थी कि आम उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्यान्न तेल मिले, इसके लिए जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट पे जो ड्यूटी थी, जिस पर कम जो कटौती की गई थी उसको 2025 तक बढ़ा दिया था, उस फैसले को बदलने के लिए सरकार मजबूर हो सकती है। क्योंकि तो देश में जब भरपूर मात्रा में सरसों होगा तो सरकार कहीं ना कहीं उस फैसले को पलट सकती है, इस फैसले को ले सकती है, क्योंकि वो किसानों के नुकसान के लिए होगा, क्योंकि चुनावी साल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। असल में सबसे पहली बात, क्योंकि सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन पर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो जान रहे हैं कि अभी तक का जो मौसम की स्थितियां रही हैं वो सरसों के अनुकूल रही है, और आने वाले अभी तक सरसों में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिल रही है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अगर 4 सप्ताह भी इस तरह का मौसम रहता है तो सरसों का उत्पादन रिकॉर्ड होगा, किसी भी तरह की सरसों के रिकॉर्ड पे उत्पादन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से देश में कितना कंज्यूमेशन होता है खाद्य तेलों का, कितना खाद सरकार इंपोर्ट करती है, तो भारत सरकार तकरीबन जो है भारत के अंदर जो खाद्यान्न तेल की खपत है वो 24 से 25 मेट्रिक टन है, और इसका लगभग 60% भारत सरकार इंपोर्ट करती है। ऐसे में अगर हम समझे जाने कि घरेलू जो हमारी कंज्यूमेशन है एडिबल ऑयल का, उसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी जो है वो 40% सरसों की है, उसके बाद 24% सोयाबीन की है, और 7% मूंगफली की है। वहीं तकरीबन 50% के आसपास, 40 से 50% के आसपास भारत सरकार ने पिछले साल पाम ऑयल भी एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट किया था। तो ये कहीं ना कहीं जो स्थितियां रहती हैं कि वो पाम ऑयल का जब इंपोर्ट होता है तो वो सरकार उससे सरसों को नुकसान होता है। मौजूदा समय में सरसों एमएसपी से नीचे चल रहा है, हालांकि अधिक उत्पादन भी सरसों के रेट को और कम करने की स्थितियां पैदा कर सकता है, लेकिन चुनावी साल में जो स्थितियां बन रही हैं, चुनावी साल में सरकार पर एक प्रेशर रहेगा किसानों को लाभ देने के लिए। तो ऐसे में सरकार जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट पर जो छूट का जो फैसला जिसे बढ़ा दिया गया है, संभवतः उसको वापस ले सकती है, उस पर समीक्षा कर सकती है। क्योंकि जितने भी जहां भी जो भी सरसों उत्पादक राज्य हैं वो सभी चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करें कि सरसों का सबसे अधिक 40 से 45% का उत्पादन जो है अकेले राजस्थान से होता है, इसके बाद तकरीबन 10 से 15% तक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में 9% उत्पादन होता है, हरियाणा में 7% सरसों का उत्पादन होता है। तो ये जो 4 राज्य हैं अपने आप में सरसों उत्पादन के मामले में श्रेष्ठ हैं।
तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो ये सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने की तरफ चीजें आगे बढ़ती हैं, और लगातार चुनावी साल में सरकार इस मामले को समझती है तो कहीं ना कहीं सरकार सरसों जो एडिबल ऑयल एडिबल ऑयल पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, एडिबल ऑयल जो 17.5 से 12.5 फीसदी कर दी गई थी, इसकी सीमा 2025 तक कर दी गई है। सरकार कहीं ना कहीं इस चुनावी साल में उस चीज को समझेगी, और सर क्योंकि और कहीं चुनाव से पहले, ठीक चुनाव से पहले जब सरसों की खरीद का समय शुरू हो जाएगा तो संभवतः किसानों को राहत मिल सकती है। प्राइस क्या रहेगा ये एक बड़ा सवाल है। प्राइस पर अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बाजार की चाल और सरकारी फैसलों से बहुत सारी चीजें निर्भर होगी, खासकर उत्पादन से भी बहुत सारी चीजें निर्भर होगी। दाम क्या रहेगा ये कहना भी मुश्किल है। हालांकि मौजूदा वक्त पे सरसों के दाम एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, लेकिन सरसों किसान बड़ी संख्या में है, चुनावी साल में है, और इस वक्त जो स्थितियां बन रही हैं क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सभी जगह बीजेपी की सरकार है। हमने पिछले साल देखा था कि राजस्थान में सरसों की खरीद बहुत ठंडी हुई थी और हरियाणा में सरसों की खरीद बेहतर हुई थी। तो ऐसे में एक प्रेशर भी रहेगा सरकार के कि सरसों की सरकारी खरीद बेहतर हो तो उससे किसानों को एमएसपी पे दाम मिलेगा। इसको लेकर स्थितियां बन रही है क्योंकि चुनावी साल में इस बार सरसों का है, तो संभवतः कुछ स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं कि सरसों किसानों को राहत मिल सकती है। हालांकि ये कह देना अभी कि सरसों किसानों को राहत मिलेगी ये अपने आप में थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, लेकिन सरसों का जिस तरह से रिकॉर्ड उत्पादन होने की तरफ स्थितियां पड़ रही हैं, सरसों की बुआई ने रिकॉर्ड तोड़ा है और अब तक सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होने की स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने उस फैसले को की समीक्षा करने के लिए मजबूर हो सकती है जिस फैसले से बड़ी संख्या में सस्ता पाम ऑयल भारत आ सकता था, और उस सस्ते पाम ऑयल के आने से सरसों के दाम पिछले साल जिस तरीके से नीचे गए हैं या जाते रहे हैं वो और नीचे जा सकते थे। ऐसी स्थिति में सरसों के दामों को थोड़ा सा राहत मिल सकती है। हालांकि दूसरी तरफ जो स्थितियां बन रही हैं वो ये भी हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम ऑयल का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है, तो अलिनो की वजह से, अगर पाम ऑयल का उत्पादन प्रभावित होता है तो इसकी वजह से कच्चे पाम ऑयल के दाम थोड़ा सा बड़े होंगे, और इम्पोर्ट ड्यूटी में सरकार अपना फैसला अगर वापस लेती है तो कहीं ना कहीं फिर पाम ऑयल इम्पोर्ट करना भी महंगा होगा, और सरसों की रिकॉर्ड उत्पादन के बाद जो सरसों के एमएसपी के आसपास अगर मिलता है तो किसानों को ये दोनों ही चीजें राहत दे सकती हैं। ये हमारी कोशिश थी, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी इसे बताइएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।